Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. Hello friends, साल 2008 में लॉन्च हुआ NDTV Imagine चैनल तो आप सभी को याद ही होगा, जो कि 4 साल चला था और उस अंतराल में इस चैनल ने कई बढ़िया शोज ऑन एयर किए थे, जिसमें से गौर करने वाली बात ये थी कि इस चैनल में कुछ ऐसे शोज भी आते थे जिन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट यानी बाल कलाकार लीड किया करते थे, जहाँ इस चैनल ने अपने शोज के थ्रू कई टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट को एक्टिंग फील्ड में इंट्रोड्यूस किया, जिनमें से कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट तो आप नज़र भी नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट भी है जो आज पॉपुलर फेसेस बन चुके हैं, चाहे वो टीवी के हो, वेब सीरीज़ के हो या मूवीज़ के। इन चाइल्ड आर्टिस्ट ने इन सभी प्लेटफॉर्म्स के सहारे अपने टैलेंट से आज भी दर्शकों के दिलों को जीत रहे हैं। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको, एक वक्त NDTV Imagine के चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुके ये कलाकार जो आज काफ़ी लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिक्र करेंगे 2008 में आए रामानंद सागर के रामायण के बारे में, जो कि भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित था, और इसमें हमें श्री राम के बचपन को भी दिखाया गया था, और जिसने श्री राम के बचपन के किरदार को निभाया था वो समय के चाइल्ड आर्टिस्ट पारस अरोड़ा थे, जो कि आज के दौर के एक पॉपुलर लीडिंग टीवी एक्टर हैं, जो कलर्स की सीरियल उड़ान, सब टीवी की सीरियल्स कांटे लाल एंड सन्स और दिल दिया गल्ला जैसे शोज में लीड कर चुके हैं, और वर्तमान में दंगल टीवी की लोकप्रिय सीरियल गहना, जेवर या जंजीर में आयुष्मान जयसिंह के लीड रोल से दर्शकों के दिलों को जीत रहे हैं। तो दोस्तों आप बात करेंगे 2009 में आए सीरियल काशी अब ना रही तेरा कागज कोरा की, जिसमें हमें काशी नाम की एक नन्ही सी बच्ची की स्टोरी दिखाई गई थी अनटचेबिलिटी और राइट टू एजुकेशन के लिए फाइट करते हुए, और ये नन्ही कलाकार कोई और नहीं बल्कि जन्नत जुबेर थी, जिन्होंने NDTV Imagine से ही अपने कैरियर की शुरुआत की और इसके बाद वह Imagine TV के एक और सीरियल हार जीत में भी नजर आई थी। वेल अगर आज देखें तो जन्नत जुबेर एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, जो म्यूजिक एल्बम्स के साथ साथ टीवी शोज जैसे कि तू आशिकी का फेस रह चुकी है, और इसके अलावा खतरों के खिलाड़ी और लाफ्टर शेफ जैसे शोज से भी ऑडियंस को एंटरटेन कर चुकी है और करेंटली टीवी का एक पॉपुलर फेस है। वेल दोस्तों जन्नत के सीरियल काशी में उनकी अपोजिट जो लीड कैरेक्टर था वो था शौर्य। क्या आपको ये फेस देखकर कुछ याद आया? वेल दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि बेहद ही पॉपुलर बालवीर है, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत NDTV Imagine के सीरियल काशी और महिमा शनिदेव की से की थी, जिसके बाद से वो सब टीवी के बालवीर से घर घर पे लोकप्रिय हुए और आज पूरा देश उन्हें बालवीर नाम से जानता है, और आज एज अ ग्रोन अप लीड वो बालवीर के अब तक के 4 सीजन्स पूरे कर चुके हैं। वेल दोस्तों आप मेंशन करेंगे 2009 में आने वाले हिस्टोरिकल सीरियल मीरा की, जो कि कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ भक्त देवी मीरा पर आधारित था, और छोटे पर्दे पर उनके बचपन को उतारने वाली ये अभिनेत्री थी उस समय की चाइल्ड आर्टिस्ट आशिका भाटिया, जिनकी क्यूटनेस ने उस वक्त दर्शकों के दिलों को बखूबी जीता था। और प्रेजेंट की बात करें तो आशिका आज एक पॉपुलर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है, जो एक्टिंग इंडस्ट्री में भी बराबर एक्टिव है, जहां आशिका सोनी टीवी के सीरियल परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी और फिर साहिर शेख और एरिका फर्नांडिस स्टारर सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे में भी नजर आई। इसके अलावा आशिका सलमान खान स्टारर मूवी प्रेम रतन धन पायो में भी नजर आई थी, और सबसे लेटेस्ट आशिका 2023 में आए बिग बॉस OTT सीजन 2 में एज अ कंटेस्टेंट नजर आई थी और ऑडियंस ने उन्हें काफ़ी पसंद भी किया था। तो दोस्तों आप बात करेंगे 2011 में आने वाले हिस्टोरिकल सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसकी कहानी मौर्य साम्राज्य के एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी लाइफ पर आधारित थी और उनके बचपन को छोटे पर्दे पर उस वक्त के चाइल्ड आर्टिस्ट ऋषिराज पवार ने उतारा था, जो आज भी टेलीविजन इंडस्ट्री में एक एक्टिव फेस है और माइथोलॉजिकल शोज का पॉपुलर फेस बन चुके हैं, जहाँ राधा कृष्ण शो में वो आयान के किरदार में दिखे थे। तो सबसे लेटेस्ट वो सोनी इंटरटेनमेंट के सीरियल श्रीमद रामायण में मेघनाथ के करेक्टर में दिखाई दिए थे। वेल दोस्तों फाइनली बात करेंगे 2010 में आने वाले सीरियल देवी नीर भरे तेरे नैना की, जहां हमें एक ह्यूमन चाइल्ड गॉडेस की स्ट्रगल भरी लाइफ दिखाई गई थी, और इस किरदार को निभाया था नन्ही कलाकार रीम समीर शेख ने, जिन्होंने 2011 में NDTV Imagine के लिए एक और सीरियल मी आजी और साहिब में लीड रोल किया था। NDTV Imagine की टैलेंटेड डिस्कवरी आज सोशल मीडिया सेंसेशन होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल एंड पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस भी है, जो कि ZTV के हिट सीरियल तुझसे है राबता,
कलर्स के सीरियल पना और तेरे इश्क में घायल लीड कर चुकी है और सबसे लेटेस्ट वो कलर्स के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ में नजर आई थी। आज के टाइम पर रीमेक एस्टैब्लिश टीवी एक्ट्रेस बन चुकी है। तो दोस्तों ये थे वो बाल कलाकार जो एक समय एनडी टीवी इमेजिन के लोकप्रिय बाल कलाकार हुआ करते थे पर आज एक सक्सेसफुल और नोन प्रेस बन चुके हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में। तो दोस्तों इनमें से किस चाइल्ड एक्टर की जर्नी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।